नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की है, जिसमें 30,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर सिस्टम लगाएं। और इस वक्त हम गोकलगढ़ गांव के अंदर मुकेश जी के घर मौजूद हैं, जिन्होंने 6 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। किस तरह से इंस्टॉल होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है और कितना इनको फ़ायदा होगा, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही प्रदीप जी, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया है, वो भी हमारे साथ में है। किस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है, वो सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले मुकेश जी, ये बताइए, सोलर प्लांट लगाया है तो कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी कॉस्ट इसकी आई है? ऐसा है जी, मैंने जब से लगाया है मेरा कोई बिल नहीं आया है। पहले सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है, और दूसरा ये है कि लगाने के बाद में मेरी सब्सिडी आ गई है। और ये हमारे जो बीकानेर से है भाई प्रदीप जी, इन्होंने मेरा ये लगाया है पावर सिस्टम, तो बहुत अच्छा है जी। और मैंने थोड़ा सा इसको कहा था कि हाइट देख करके लगा दे, जिससे इसके नीचे घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, तो इस बेचारे ने मेरे कहने से वो काम कर दिया है। अच्छा, तीन साइड का काम, तीन साइड का भी उन्होंने कर दिया कि भाई ये पानी है ये सीधा डायरेक्ट छत पे आ जाए, कोई परेशानी ना हो। और कहने के मुताबिक जो मेरा एक्स्ट्रा चार्ज लिया, वो मेरा दिल खुश हुआ है जी काम करने के बाद में। कितनी बचत हम कह सकते हैं कि जो आपकी पहले बिजली का कितनी खपत थी? और मेरा पहले 30-32 हज़ार रुपये गर्मियों में बिल आता था, जब मेरे 3 AC कंटिन्यू चलते हैं जी। लेकिन अभी क्या है कि मेरा 1 रुपये का भी बिल नहीं आया, मेरे 2-5 रुपये बिल आता है, लेकिन वो अप्रैल के अंदर लेस हो जाता है, बिल्कुल कोई चार्जेबल नहीं है। जैसे ही मेरा लेस हो जाता है, मेरे को बराबर हो जाता हूँ। बिजली बोर्ड मेरे कोई बिल पैसे मांगता है तो मैंने भरना पड़ेगा 1 अप्रैल से पहले। अच्छा, तो प्रदीप जी भी हमारे साथ में है, और जो ये योजना है पीएम सूर्य घर योजना, ये योजना कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है इसका, मतलब कैसे लोग अप्लाई करें, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताइए, कैसे लोग अप्लाई करें और कितना फ़ायदा मिलेगा? अप्लाई तो डॉक्यूमेंट चाहिएगा इसका, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली का बिल, ये हमारे पास लेके आ जाओ, हम अप्लाई कर देंगे। कस्टमर को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी नॉलेज देंगे उसको। मैंने सब्सिडी दे रही है सरकार, तो अच्छा बढ़िया काम है ये। किस हिसाब से सब्सिडी है? ये फिक्स कर रखी है जी, 1 किलोवाट पे 30,000 है और 3 किलोवाट पे 78,000 है, 4 पे भी, 6 पे भी, 5 पे भी, 10 तक। जो नेट मीटर लगता है, जो बिजली डिपार्टमेंट में, निगम में, जो ग्रिड में जाएगी बिजली, वो कैसे जाएगी और उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ये नेट मीटर का खर्चा भी इसी में आ जाता है, और ये फाइल हम ही बना के देते हैं, नेट मीटर खुद लगा के देते हैं, क्यों कस्टमर को पता नहीं क्या क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट है, फाइल के बारे में सारा कुछ हम करवा के देते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कितना इसका खर्चा आता है, अगर किसी को 3 किलोवाट अपने घर के अंदर इंस्टॉल कराना है, कितना क्या क्या चीज़ चल सकती है उस पर, और जब ये इंस्टॉल होता है तो कितना खर्चा लगभग आता है इसका? 3 किलोवाट का 1,80,000, उसमें 78,000 सब्सिडी आ जाएगी, कस्टमर के अकाउंट में आएगी। 5 किलोवाट का 275 है, उसमें भी 78,000 सब्सिडी आ जाएगी, मतलब ऐसे 10 किलोवाट तक 78,000 रुपये सब्सिडी है। अच्छा, जो आप 1 एकड़ पे जो पूरा प्लांट लगाने की कह रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप इसको एक आमदनी के तौर पे भी आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं? हाँ, ये तो बिजनेस भी अच्छा है, जो कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है, इतना पैसे लगा के 25 साल तक का बिजनेस अच्छा बना रहता है। कैसे, क्या प्रोसेस है उसका? इसका ये प्रोसेस है, 3.5 करोड़ 70 लाख रुपये लगा कॉस्टिंग है, और 30 लाख रुपये डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, और 4.5 लाख रुपये पर मंथ आएंगे 25 साल तक, और जो बाकी पेमेंट बची है वो हम बैंक से फाइनेंस करवा देंगे। 3 किला होना चाहिए और 5 किलोमीटर का एरिया में बिजली बोर्ड होना चाहिए। एक साथ में ये और रहता है कि जो आप प्लेट्स लगा रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, वो क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपनियों की ये जो सोलर प्लेट्स आ रही हैं, तो किस कंपनी की आप लगाते हैं, क्वालिटी क्या है उनकी? मेन अडानी, विक्रम, ल्यूमिनस, ये लगाते हैं। मोनो हाफ कट में आ रही है, 565 वाट में आ गई, अब तो ये धूप नहीं रहेगी तब भी बढ़िया काम करेगी, पूरी फ्रिक्वेंसी देती है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप अपने लोड के हिसाब से, जो आपके घर का लोड है उसके हिसाब से जो ये सोलर सिस्टम है ये इंस्टॉल करा सकते हैं, और सरकार की तरफ से भी 30,000 से लेकर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे लाइफ टाइम जो आपका बिजली का बिल है वो 0 आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही डिस्प्ले पर भी हम प्रदीप जी का नंबर डाल रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।